अस्सलाम वालेकुम, आपको वसीम पॉइंट टीवी में खुशामदीद। रॉय करम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक है मुतासर कुन इस्लामिक इक्तसाबात। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। शेख सादी। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। अली रजी अल्लाह अन्हा। किसी को अच्छे अमल से दिली खुशी देना हजार सजदे करने से बेहतर है। शेख सादी। कितना ही खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह से दिल की बात कहते हैं तो वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी बात सुनना चाहता है। इशफाक अहमद। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अरस्तु से किसी ने कहा, मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी हैं। अरस्तु ने जवाब दिया, गीबत करने वाला मोतबर कैसे हो गया? लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। किसी ने दरवेश से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने हंस कर जवाब दिया, खुशियां सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, ये दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। बहुत से लोग खौफजदा हो जाएं अगर वो आईने में अपने चेहरे के साथ साथ अपना करदार भी देख पाए। इंसान जितना मर्जी भाग ले, जितना मर्जी हाथ पांव मार ले, मगर किसने किसको कहां कब और कैसे मिलना है, ये फैसले बहरहाल कहीं और होते हैं। इबादत जमीन में गुमनाम रहने वाले को आसमान में मारूफ बना देती है। नफ्स वो कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा ना ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो वो कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले जमीर को जगा जाता है। इमाम गजाली। कड़वी जुबान वाले का शहद भी नहीं बिकता, मीठी जुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफजदा करना सीखो। बानो कुदसिया। सच बोलने का शौक हो तो अपने बारे में बोलो, लोगों की जिंदगी अजाब मत बनाओ। इशफाक अहमद। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। इशफाक अहमद। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना। इशफाक अहमद। मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। अल्लाह के वली की सोहबत के चंद लम्हे 100 साल की बेरिया इबादत से भी बेहतर है। मौलाना रूमी। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करें।